द कश्मीर फिल्म को लेकर भाजपा के द्वारा प्रदर्शन किया गया। द कश्मीर फिल्म को फ्री किया जाए, ये मांग की जा रही है और हर बड़े नेता को फ्री में दिखाया जाए। विवादों में फंसी फिल्म द कश्मीर को लेकर राजनीति हो रही है, इसलिए भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए और सभी नेताओं को दिखाई जाए। द कश्मीर फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, चाहे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस के बड़े नेता, सभी इस फिल्म को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि इसको लेकर भाजपा के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया कि द कश्मीर फिल्म को टैक्स फ्री करके सभी पार्टियों के नेताओं को दिखाया जाए और इस फिल्म को लेकर जागरूक किया जाए कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को ठेस लगेगी। अंगार हुआ था, उसकी सच्चाई फिल्म के माध्यम से आई है। और वास्तव में कश्मीर फाइल फिल्म आप देखेंगे तो ये फिल्म नहीं है, ये उस समय की सच्चाई है, हकीकत है। जब कांग्रेस और वहाँ की स्थानीय सरकारों ने दमन किया था वहाँ के कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को सामूहिक नरसंहार किया था, और जो लोग आज जेएनयू में राजनीति करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर कश्मीर के तार जेएनयू में जुड़े थे और उसका समर्थन केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग का उस समय कर रहे थे, इसलिए भी अब जरूरी है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवा साथी उस नरसंहार के बारे में जाने, इसलिए कश्मीर फाइल फिल्म यहां पर टैक्स फ्री होनी चाहिए। इसमें राजनीति क्या है, सच्चाई सामने आई है, आप टैक्स फ्री करिए। अगर देश के अंदर एक सच्चाई सामने आई है और उस सच्चाई के माध्यम से देश को 32 साल के बाद ये पता लग रहा है कि सामूहिक नरसंहार हुआ था, उस समय कांग्रेस और वहां की राज्य सरकारों के माध्यम से कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों को मरवाया गया था, आतंकवादी अलगाववादियों को साथ देकर और उनको सपोर्ट करके, और जब वो सच्चाई सामने आई है तो पूरे देश के अंदर वो कश्मीर फाइल फिल्म टैक्स फ्री हो रही है। दिल्ली के नागरिकों का, दिल्ली के युवाओं को भी हक है कि कश्मीर फाइल फिल्म के माध्यम से ये सच्चाई पता लगे। विधानसभा में हमारे सभी विधायक दल के नेता जिन्होंने कल ये निश्चय किया है कि हम विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। देखिए, धारा 370 समाप्त हुई है, 35 से समाप्त हुआ है, कश्मीरी पंडितों को भी वहाँ अधिकार मिले हैं, पूरे देश को वहाँ अधिकार मिले हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है, संवैधानिक रूप से बना है। और ऐसे समय जब 32 साल पहले हुए नरसंहार की सच्चाई सामने आई है तो उस सच्चाई के दिल्ली के लोगों को भी उसको जानने का हक है। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, हर राज्य ने वहां पर कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री किया है ताकि 32 साल पहले जिनका जन्म भी नहीं हुआ था वो आज की युवा जनता, युवा लोग उसकी देख सके और सच्चाई जान सके कि किस तरह इस देश में, अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया था।